अस्सलाम वालेकुम, फूड पैकेज में आपको खुश आमदीद। मेरी आज की रेसिपी है कंडेंस्ड मिल्क। इसे घर पर नहायत आसानी से बनाएं और केक, आइसक्रीम और मिठाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करें। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कंडेंस्ड मिल्क बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए एक देगची में या किसी खुले बर्तन में आधा लीटर दूध, और एक कप चीनी डालकर पहले मीडियम फ्लेम पर दूध में उबाल आ जाने तक पकाएं। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर चम्मच से मिक्स करते हुए तब तक पकाएं जब तक दूध की क्वांटिटी आधी ना रह जाए। दूध को हल्की आंच पर पकते हुए आधा घंटा हो गया है, ये मकदार में भी आधा रह गया है और बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी सतह पर बबल बन रहे हैं, जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे मैंने एक कप में निकाल कर इसकी क्वांटिटी चेक की है और जिस बोतल में इसे रखना है उसमें भी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है, ये एक गिलास है। बाकी का कंडेंस मिल्क भी इसी जार में डालकर महफूज कर लें और जब भी ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। अगर आप भी कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, ज़रूर बनाएं।